इन लोगों के वोट काट रहे हैं, किस बात पे काट रहे हैं वोट? चुनाव पे एस्केर करेंगे, वोट देंगे ही नहीं किसी को हम। 55-77 वोट हैं पहले से और एक भी वोट कटा नहीं है, केवल मेरे पे तो सिर्फ की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। हम उनसे भी कहेंगे, भाजपा वालों से भी, कि यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी। बाढ़ की जनता आरोप नहीं लगा रही है, वहाँ से लड़ने वाले प्रत्याशी है जो भी है वो अवैध तरीका से मेरे पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ के भाजपा के नेता हैं, वो यहाँ के वोट कटवा रहे हैं। ये आरोप लगाते रहे, पब्लिक जान चुकी है कि ये क्या करने वाले हैं। पहले भी उन्होंने इसी प्रकार से किया था, अभी करने वाले हैं। ये वार्ड नंबर 34 की पब्लिक है, जनता है। ये हमारे वोट 1757 जो सरजीवन नगर में लगा दिए, ये गलत है। जबकि पिछला चुनाव 4 बूथों के हिसाब से 5577 वोट थे, आज भी मेरे पास लिस्ट है और विभाग ने निकाल के दी है। 5577 वोट हैं पहले से और एक भी वोट कटा नहीं है। नगर निगम चुनाव का आगाज होने से पहले ही चुनाव का बहिष्कार होना, ये बहुत बड़ी बात है। हम आज वार्ड नंबर 34 के ठारकूटा पे खड़े हुए हैं, जहां पर कुछ लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। और चुनाव का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके जो वोट थे वो काट कर किसी और वार्ड में उनको कन्वर्ट कर दिया गया है। कुछ यहां पर उम्मीदवार प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनको भी इस सब चीज़ों से काफ़ी दुख हुआ है, तो उनसे ही बात करते हैं। और यहां पर कुछ लोग धरने पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम है प्रिंस शर्मा। प्रिंस शर्मा जी, क्या कारण रहा यहाँ आपके वार्ड के लोग धरने पर बैठे हैं? उनके वोट काट दिए हैं 1947 में। 1947 में जी, यहाँ के लोग राजनीति कर रहे हैं। हम सीधे खुले कहने चाहता हूँ, किसी से डरना नहीं है। यहाँ के भाजपा के नेता हैं, वो यहाँ के वोट कटवा रहे हैं और राजनीति बहुत कड़ी कर रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं भाजपा के लोग यहाँ पैसे दे के। हम उनसे भी कहेंगे, भाजपा वालों से भी, कि यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी। हमारा वार्ड पहले भी यहीं था और यहीं रहना चाहिए, ये हमारी पब्लिक की मांग है। ये सत्ताधारी कुछ लोग हेरा फेरी करके ये लिस्ट हमारी गड़बड़ करा दी गई है। हमें कल ही पता चला है जो कि लिस्ट हमारे साथ हाथ में है, ये सरजीवन नगर में जो वोट हमारे डाल दिए ये गलत है। ये हमारे इसी बात वार्ड नंबर 34 में जुड़ने चाहिए। क्या नाम है आपका? शांति देव। किस वार्ड में रहती हैं आप? 34 वार्ड में। आज आप यहाँ पर धरने पर बैठी हैं, क्या कारण है जो आपको धरने पर बैठे? हम इसलिए बैठे, हमारे वोट कट गए हैं। जब हम अपने जब नेता को किसी को ठाड़े करेंगे लड़का को, तो काटेंगे भी नहीं, कैसे जिताएंगे? पवन कुमार यादव। किस वार्ड के निवासी हैं? 34 नंबर वार्ड। आज आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, आपके कुछ वार्ड के लोग भी बैठे हैं, क्या कारण रहा जो आपको धरने? हम धरने पर इस वास्ते बैठे हैं कि हमारे वोट जो काट कर 5 नंबर वार्ड में भेज दिए, हम किस प्रत्याशी को वोट देंगे? हमें तो उस प्रत्याशी उधर का पता भी नहीं है कि कौन कैसा आठ बंदा है, समझ रहे हो? तो आज आप धरने पर बैठे हैं, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम वोट देंगे ही नहीं किसी को, चुनाव बहिष्कार करेंगे, वोट देंगे ही नहीं किसी को हम। जबकि पिछला चुनाव 4 बूथों के हिसाब से 5577 वोट थे, आज भी मेरे पास लिस्ट है और विभाग ने निकाल के दी है। 5577 वोट हैं पहले से और एक भी वोट कटा नहीं है, केवल मेरे पे तो क्षेत्र की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये क्षेत्र की जनता पूरी तरह से जान चुकी है, गुमराह नहीं होगी, मेरे साथ है, मेरे साथ रहेगी। किसी भी व्यक्ति का एक भी वोट नहीं कटेगा जिस क्षेत्र।